साइलेंट पे कर लीजिए और एक दो मिनट का मौन रख लीजिए क्योंकि लड़की जो काम्या इस दिन के लिए आज एक साल हो गए हैं प्रत्युषा को मुझसे, लेकिन कहते हैं ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि बस बोल पड़ेगी। रीजन क्या था कि प्रत्युषा के सब्जेक्ट नाम को लेकर फिल्म बनाई जाए और इस जब ये फिल्म लोगों को पता चला कि बन रही है अपने आप बवाल हो गया? एक मिनट, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फिल्म बनाई नहीं गई है, फिल्म ऑलरेडी बनी हुई थी, ये हमने शूट किया था, सबको लिंक्स मिल चुके हैं, सब लोग ने देखी है, ये फिल्म हमने शूट की थी, वो चली गई, क्लाइमेक्स शूट नहीं हो पाया। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे मौके पर हम फिल्म के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं फिल्म की सबसे पहली मीटिंग, फिल्म मैं बना रही थी और पहली मीटिंग 9 महीने पहले हुई थी 25 जून को 2015 को, क्योंकि वो बहुत छोटी दिखती थी और मेरी फिल्म के लिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो यंग भी हो और जो बाद में 10 साल बाद मैच्योर भी दिखे। और उसके लिए मैंने उसके पूरे गेटअप में एक लुक टेस्ट किया था, पूरी टीम के साथ बैठे थे हम, जिसमें डायरेक्टर भी था, स्टोरी राइटर भी था, एक्टर भी था, हीरो भी था और वो खुद थी। और उसने अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ये अपडेट डाला है, आप सब देख लेना, जो राहुल राज कह रहे हैं कि 10 साल पहले बनी है, मौकरी की है, कहीं से उठाया है पोर्शन, उसने, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने इंस्टाग्राम पे हमारी फिल्म डालने के लिए, उसने खुद ये पोस्ट किया है, फिल्म टीम हम कुछ कह ना सके, ये प्रत्युषा के इंस्टाग्राम अकाउंट में है। पहली मीटिंग तब हुई थी लेकिन बाद में वो बहुत बिजी हो गई तो हमें बाद में शूट करना पड़ा। सो हाँ, मैं हाँ, तो ये फिल्म पहले शूट हुई है, ये एक स्क्रिप्ट है जो शूट हुई है, मौकरी या बोगस एक 18 मिनट की फिल्म नहीं बन सकती ऐसे सब चीज़ों से, और हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है नहीं। क्योंकि हमें प्यार का मतलब पता है और उस शब्द की हम बहुत इज्जत करते हैं, तो जिन्हें प्यार का मतलब पता होता है वो जिनसे प्यार करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। इट्स अ 18 मिनट्स फिल्म, उसे आप देखिए, क्लाइमेक्स हम शूट नहीं कर पाए इसलिए क्लाइमेक्स की जगह पे क्या है वो भी आप देखिए। पूरी फिल्म बनने के बाद जब आप लोगों ने देखा पैनल बैठकर, जब कैसी फीलिंग थी? इनको संभालना पड़ा था बहुत ज़्यादा, मैं काम्या के बहुत क्लोज हूँ और काम्या प्रत्युषा के बहुत क्लोज थी और काम्या की वजह से ही वो हम सबके बहुत पास रही है हमेशा, तो इनको बहुत संभालना पड़ा था। और फाइनली हुआ ये कि फाइनल एडिट के टाइम पे सिर्फ मैं थी, शी कुडंट हैंडल, और वो 20-25 मिनट पहले निकलना पड़ा उसको बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी वैलिड नहीं है बट आपने किया है तो मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है कि आप हैंडल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को, ख़ास तौर से तब जब आपको ये पता है कि ये डेस्टिनी ऐसी चीज़ है जो फिल्म आप पहले शूट कर चुके हैं, वो सेम एक आदमी आपकी ज़िंदगी, जिससे ज़िंदगी से गुजरा बिल्कुल वैसे ही, वही रिश्ते टूटे, वही रिश्तों का दर्द उसने बर्दाश्त किया और उन्हीं रिश्तों पे उसी आदमी से कहा अगर आज तुम गए तो मुझे नहीं देख पाओगे, वही सारी चीज़ें सेम। तो आपको ऐसा लगता है क्या डेस्टिनी पहले से उसको ले जाने की प्लानिंग कर रही थी? एक लाइन कही उसने फिल्म में कि डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। उसने सिर्फ फिल्म में कहा, ये सिर्फ फिल्म में कहा कि डरो मत मैं मरूंगी नहीं। अपनी दोस्त की कुछ यादें हैं जो मैं उसके फैंस और इस दुनिया के सामने लाना चाह रही हूं, जो जिनका प्रोडक्ट है। हाँ, मैं उसे छोटू, मुझे कहती थी कि मेरी माँ के बाद तुम हो, मुझे कहती थी कि काम्या मेरी माँ के बाद तो तुम ही हो, मेरे क्लोज थी। ये आई, इसने कहा मैं इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहती हूँ काम्या और इसके माँ बाप को हेल्प करना चाहती हूँ। अपनी दोस्त के लिए कुछ अच्छा करने चले हम लोग, आ गए लोग, घुस गए बीच में, क्यों, किस हक से, क्या है आपका इसमें? अगर आप उस औरत से प्यार करते हो और आप रात रात को उसकी कब्र पे जाके प्लीज
ये वर्ड आप सुने जो मैं कह रही हूँ, उसकी कब्र पे जाके पता नहीं कौन सी करवाई। अगर आप रात रात को रोते हो और अभी तक आप तकलीफ में हो, तो आज आप ये नहीं करते, इस फिल्म को प्यार देते, कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन काम्या आप जानती थी ये चीज को, क्योंकि अभी तक कोई हल निकला नहीं है प्रत्युषा का। फिल्म बनने के बाद इस पे बहुत सारे बवाल होंगे, एलिगेशन लगेंगे, फिल्म को रोकी जा सकती है, इन सब चीजों के लिए आप एक जो कंट्रोवर्सी थी, लाइक पहला तो नाम, नाम की वजह से कि उनका नाम जो आ रहा था बार बार, नाम की वजह से वो एक क्लियरेंस दे दीजिए, क्योंकि प्रत्युषा ने शायद ये बात कही भी थी, हमारी आपने बात की, उन्होंने बात कही भी थी कि वो खुद चाहती थी कि राहुल नाम इस फिल्म में हो। दूसरी चीज कि आप लोग ये सरप्राइज देना चाहते थे उनके माता पिता को आज के दिन में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी शायद वो सरप्राइज नहीं रहा। बिल्कुल, पहले नाम और फिर, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम दोस्त मिलके एक शॉर्ट फिल्म दे, मैं बाय प्रोफेशन प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मुझे, मैं खुद अपनी जिंदगी में बहुत बार बहुत तरह के डिप्रेशन से गुजरी हूँ, मैं एक सेल्फ मेड वुमेन हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में भी होगी, मैंने बहुत टाइम पे बहुत डिप्रेशन से तरह तरह से फाइट किया, जिसमें लोगों ने भी हेल्प किया, मेरे डॉक्टर्स ने भी किया, तो मैंने रिश्तों पे कुछ फिल्म्स बनाने की कोशिश मेरी उन लोगों के लिए है, ताकि दुनिया में कोई दूसरी प्रत्युषा ना बने, कि आप उस सिचुएशन में, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर और बहुत सारे लड़के हैं, ये काम सिर्फ एक लड़की नहीं करती, ये लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लड़की है तो उसको ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी, नहीं, ट्रीट दिस प्रॉब्लम एज ओनली लाइक अ कोल्ड, लाइक फ्लू, लाइक फीवर, सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, इट इज एग्जैक्टली लाइक एनी अदर डिजीज, डू नॉट ट्रीट इट लाइक अ साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम ओनली, नो इट इज नॉट लाइक दैट। तो राहुल नाम उसने अपनी मर्जी से रखा था, इट इज डेस्टिनी, इट इज अ प्योर डेस्टिनी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब क्योंकि वो नहीं है, वो आके ये आपको नहीं बता सकती कि हाँ मैंने नाम चुना, तो हम इस बात को साइड में रख देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, एक अकेला है राहुल इस पूरी दुनिया में, एक अकेला है, इस हिसाब से तो राहुल गांधी को भी आके ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, राहुल राय को भी लेना चाहिए, हाँ राहुल रॉय को भी लेना चाहिए, हाँ सबको, जितने भी राहुल है सबको, और कल को किसी की फिल्म में या किसी के शो में काम्या नाम होगा तो मैं भी नाचने लग जाऊंगी। करेक्ट, हाँ, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि स्क्रिप्ट में नाम था या प्रत्युषा ने रखा, इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर नाम राहुल है तो आप बवाल मचाएंगे, और मैं फिर से कह रही हूं, इस फिल्म का हीरो राहुल राज सिंह उसके आसपास भी नहीं है, उल्टा बहुत अच्छा है इस फिल्म का हीरो, हमारे फिल्म की कहानी ये, जो मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा था, अपने इंटरव्यू में कहा था कि एज ए नैरेटर इन दिस फिल्म, मैं इस फिल्म में एक नैरेटर का किरदार प्ले कर रही हूं, और एज ए नैरेटर मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ को इंटरकनेक्ट करके ऑडियंस से ये सवाल पूछूंगी कि लोग प्यार में बदल क्यों जाते हैं, प्यार क्यों बदल जाता है, दोबारा एक्सप्लेन करो, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ नहीं आई है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं, एज ए नैरेटर इन दिस फिल्म आई विल इंटरकनेक्ट रियल एंड रियल लाइफ, रियल लाइफ नॉट प्रत्युषा बनर्जी एंड लाइफ, रियल लाइफ का मतलब ये था कि जो रियल लाइफ में ब्रेकअप्स होते हैं वो, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, मैं अपने ब्रेकअप के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एज अ नरेटर इन दिस फिल्म आई विल इंटरकनेक्ट रियल एंड रियल लाइफ एंड आस्क द ऑडियंस एज टू व्हाई पीपल चेंज इन लव, व्हाई प्यार क्यों बदल जाता है, जो प्यार बहुत ज्यादा होता है शुरुआत में वो धीरे 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 खिड़की से कूद के मर क्यों जाता है, क्यों प्यार खत्म हो जाता है, सिर्फ ये मेरा कहना था, लोगों को समझने में मुश्किल होती है, इस फिल्म का मुद्दा प्यार में बदलना है, इस फिल्म का मुद्दा वो डिप्रेशन है, इस फिल्म का मुद्दा वो ईगो है जो लोगों में होता है, और अपने ईगो के चलते हम वो बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं जो हम कर सकते थे, इसलिए फिल्म का नाम है हम कुछ कह ना सके, वाई कुछ क्यों नहीं, हम कह क्यों नहीं सके, क्यों, और ये फिल्म को अलग ही ट्रैक पे लेके चला गया वो आदमी, बिल्कुल, क्यों, फिल्म देखिए और आप खुद अपने आप से सवाल कर दिए कि आपको यहां कहीं राहुल राज सिंह नजर आया, अगर करना है ना मुझे घुमा फिरा के नहीं करूंगी, फिल्म के जरिए नहीं करूंगी, डंके की चोट पे मुंह पे करूंगी जो बोलती आई हूं एक साल से,
एक साल से बोलती हूँ कि मेरी दोस्त पागल नहीं थी जो पंखे से कूद कर जान दे दी, पागल नहीं थी वो। अगर उसने खुद भी अपनी जान दी है तो उसे वहां तक किसने पहुंचाया? एग्जैक्टली अगर वो इतना प्यार करता था और इतना प्यार करता है तो क्यों जान दे दी प्रत्युषा ने? आज भी डंगे की चोट पे मुंह पे कहती है वो है जिम्मेदार, है जिम्मेदार। इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए। ये ऐसे बात करती हूं मैं, फिल्म के जरिए नहीं बात करूंगी। नीरू दो चीज पे और क्लियरेंस दे दीजिए। एक हाँ। तो आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिला है और उनकी तरफ से आपको 2 बजे शायद मेल आया, उस मेल 2:08 पे, 2:08 हाँ। उस मेल में क्या क्लियरेंस है? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा फोन लो, उनकी स्क्रीनिंग पे स्टे ऑर्डर था और या तो 11 बजे तक ही रिलीज करने के लिए 11 बजे तक जी जो स्टे ऑर्डर है, राहुल का ऐसा कहना है कि उन्हें मिल गया है एंड वो शायद रिलीज भी करने वाले हैं। वो फिल्म रिलीज करने वाले हैं। अच्छा वो रिलीज करने वाले फिल्म नाम रिपीट करिए, खास तौर पे राहुल ने ये बात नाम रिपीट करिए। राहुल पूरा नाम? राहुल राज सिंह। हाँ मैं नहीं जानती उन्हें और कभी जानना नहीं चाहूंगी। वो कौन है मेरी फिल्म से जुड़े हैं? वो रिलीज वो साइला के बेटे हैं और साइला के बेटे रहे, प्लीज वो मेरी फिल्म से कहीं जुड़े नहीं हैं, प्लीज वो कोई नहीं। और मैं उनकी माँ से आप में से अगर कोई जूम करना चाहता है तो प्लीज कर ले प्लीज। ये नोटिस हाँ मैं शेयर करूंगी, ये नोटिस है, हमारे लॉयर यहीं पर हैं और आप इसमें देखिए ना इसमें कोई केस नंबर है ना इसमें कोई भी किसी किस्म का सूट नंबर है, सब कुछ ब्लैंक डॉट 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 भरा हुआ है। यार चश्मा लग चुका है, मैं इसमें कुछ नहीं, इसमें यह है कि शॉर्ट फिल्म एक मिनट, ये लॉयर के लेटर हेड पे एक लेटर है हाँ कि आप इस शॉर्ट फिल्म को नहीं रिलीज करें, अगर आपने किया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। इस पे किसी जज का कोई स्टैंप नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है और हम मिस्टर राहुल राज सिंह को इसमें डिफेम कर रहे हैं। प्लीज वॉच द ब्लडी फिल्म। हम तो करना चाहते हैं, कंट्री क्लब वाले डर गए हैं, कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। स्क्रीनिंग अभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। आप बोलिए, आप लोग बोलिए। एक काम करती हूँ, एक मिनट, ये लोग डर गए ना, हम नहीं डरते। आइए हमारे घर में आइए, मैं आपको फिल्म चला के दिखाती हूँ। अभी की अभी चलिए, मैं आपको फिल्म दिखाती हूँ। लेकिन एज प्रोमिस्ड फिल्म रिलीज हो चुकी है ना? शायद मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ लेकिन आप लोगों के फोन में आ चुकी है ना, दुनिया के पास आ चुकी है, यूट्यूब में आ चुकी है। ये फिल्म जो फिल्म की मालिक है उसने रिलीज कर दी है। फनी लगा मुझे ये सुन के, थैंक यू सो मच कि उन्होंने कहा कि आपको फिल्म रिलीज करने वाले हैं। मैं यार फिल्म में तो वो उस फिल्म ने मेरी डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर जैस्मिन मोदी, उनको प्लीज नंबर दीजिए और बोलिए ही रियली नीड अ साइकेट्रिस्ट वेरी वेरी बैडली। नहीं लेकिन हाँ वो डायरी एक साल हो गया, उन्होंने आज तक पुलिस को दी क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं पूछते? अगर उन्होंने अपने 25 इंटरव्यू में ये बोला है कि प्रत्युषा अपनी एक पर्सनल डायरी लिखती थी जो मेरे पास है, उसमें उसके मिनट मिनट की फिक्र खबर है, उन्होंने वो डायरी पुलिस को क्यों नहीं दी? और उस डायरी में फिर ये भी लिखा होगा कि वो मरना चाहती है या वो दुखी थी, नहीं है ना? फिर तो उन्हें ये भी पता होगा। नहीं पर उन्होंने ये कहा है काम्या, ये मैं इनको भी बताना चाहूंगी कि कल जब उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम दोनों बेहद हैप्पी थे, बहुत खुश थे। सेम डे अगर वो दुख होता उसको तो 4 दिन पहले शादी का जोड़ा क्यों बुक करती? सेम डे हमने पिक्चर्स निकाली थी। अब मैं एक सवाल आप लोगों से करती हूँ, बियॉन्ड दिस प्रोफेशन, आप एज एन रिपोर्टर भूल जाइए, एज ए ह्यूमन बीइंग बात करिए। ये दो लोग हैं, एक मर्द एक औरत जो एक रिश्ते में हैं और जो बेइंतहा खुश हैं, बेइंतहा। सुबह आदमी फोटो निकाल के हैप्पी हैप्पी स्माइली इंस्टाग्राम करके काम पे जाता है और दूसरा टेबल पे चढ़ के मर जाता है। एक मिनट, मर गया? मजाक है। और ये कहीं से जिम्मेदार नहीं है, इसको पता ही नहीं है। आप चिल्ला के मीडिया को बताते हो कितना ड्रिंक करती थी वो, कितना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं जब, तो भी वो उसको गलत और सही सिखाते हैं। आप तो 4 दिन बाद, 4 दिन पहले जोड़ा शादी का ऑर्डर करके आए थे ऐसी लड़की के लिए जो ड्रंकन थी।
कहाँ क्या बात बोल रहे हैं आप, ना आपका अगला समझ में आ रहा है ना पिछला समझ में आ रहा है, गड्ढे पे गड्ढा आप खोदे जा रहे हैं। इस फिल्म में अगर आप खामोश रहते तो आप बचे थे। आपने ये कर्मा है और ये वो लड़की खुद करा रही, जो आप इतनी बैड लाइट में आए हो ये आपकी अपनी मेहरबानी है। खुद ही कह रहे हैं मुझे बैड लाइट में दिखाया है, खुद ही कह रहे हैं वो। आप देखिए इस फिल्म को, क्या इस फिल्म के हीरो ने हीरोइन पे हाथ उठाया या उसे गाली दी है या ऊंची आवाज में बात की है, जरा देखिए ना। जबकि मुझे ये डाउट है कि राहुल राज सिंह प्रत्युषा के साथ ये जरूर करते थे, ये मैं बोल रही हूँ 25 कैमरा के सामने, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी पे मार के निशान देखे। फिर से डिफेमेशन केस होने वाला। अरे टू हेल विद डिफेमेशन केस, सबको देख लूंगी। सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटती, मैंने हमेशा डंकी की चोट पे सच कहा है। मुझे डाउट है कि वो ये सारी चीजें करते थे, लेकिन इस फिल्म का हीरो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, क्यों कूदे वो इस फिल्म के चक्कर में। हम हमेशा ही तैयार रहते हैं, अभी की क्या बात कर रहे हैं, हम हमेशा ही तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा। और डरते नहीं हैं हम किसी से, हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, ना किसी की माँ से डरते हैं ना किसी के बाप से डरते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं और हम तैयार हैं, जो भी होगा हम तैयार हैं। पूछना चाहती हूँ ये कब शूट हुई थी, किस दौरान, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जब पार्ट कवर कर रहे थे हम तब भी जिक्र नहीं किया कभी प्रत्युषा ने। ये इसके वो जिम्मेदार है खुद है। अगर उनके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें वो लिखती थी कि उसने इतने मिनट सांस ली और इतने मिनट खाना खाया और इतने मिनट, तो अगर उसने उनको एक पूरी फिल्म जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रखी है, राहुल कैसे बॉयफ्रेंड यार हमको प्यार हो जाता है तो हम इंस्टा FB उसके दोस्त का अकाउंट, उसकी अकाउंट के अकाउंट का अकाउंट, इन्होंने कभी प्रत्युषा का अकाउंट चेक नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ ये लव कैसा था, मतलब आप सब यंगस्टर्स हैं, आपको मालूम है आपको प्यार होता है तो आपकी गर्लफ्रेंड का अकाउंट तो 500 बार चेक होता है यार, या एक्स का 500 बार होता है, उसकी एक्स के एक्स का भी होता है, उसके एक्स के एक्स का भी होता है ना, कहाँ है कितने बजे है। इन्होंने कभी इंस्टाग्राम चेक नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड का। गो टू IM Prats PRATS, आप जाइए वहाँ पे और उस अकाउंट को चेक कीजिए इंस्टाग्राम में, प्रत्युषा ने खुद पोस्ट किया है इस फिल्म के बारे में राहुल राज के एंगल से। और एक सवाल का जवाब, अगर राहुल राज को इस फिल्म के बारे में नहीं पता है तो क्या करूं, नहीं पता तो नहीं पता, व्हाई डू वी केयर, मुद्दा फिल्म आपके सामने है, वो है ही नहीं कोई। अगर उन्हें नहीं पता है तो क्या कौन है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? उस फिल्म को रिलीज करने के पहले मेरा, चूंकि वो नहीं है अब दुनिया में, मेरा कंसर्न उसके माँ बाप थे, लीगली भी और मॉरली भी मेरा कंसर्न और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन तक है। इन्होंने परमिशन दिया, इनके लिए वो फिल्म मैं रिलीज करना चाहती थी, मुद्दा उतना ही था। आप कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाली कहावत है, तो आप कौन है। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि जब किसी के ग्रह में राहु और केतु आते हैं तो बिल्कुल राहुल जैसा हो जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम, राहु और केतु साथ में आए और वो इस फिल्म के रिलीज में कूद पड़े। अब कूद पड़े हैं, आप किसी भी में कूदोगे तो कुछ चीटे आप पे भी आएंगे ना, आप तो वैसे ही कीचड़ का ढेर हो, तो आपने तो सब चौपट कर दिया। पर फिल्म रिलीज है, फिल्म वैसी है, अब आगे क्या कहानी होगी वो भी वो हमको बताएंगे, वो कोई नोटिस टाइप कर रहे होंगे जो शाम तक मिलेगा। हम देखते हैं कि ये प्रेशर, मुझे लगता है जो भी स्ट्रेस है या जो प्रेशर है वो सब हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में ये बहुत देखने को मिलता है। और जब आप कहीं पर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं, तो जैसे आज आप लोगों ने ये पहल की है, तो इस तरह से कोई इस तरह की प्लानिंग है कि सिंधा के साथ या इस तरह से कुछ काउंसलिंग सेशन हो या कुछ इस तरह के आर्टिस्ट हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इस आज के दिन के कुछ मकसद है, कुछ प्लानिंग है हमारी। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं अपने आसपास या अपनी ज़िंदगी में एक और प्रत्युषा नहीं देखना चाहती। मैं यहाँ पर आज डॉक्टर जैस्मिन मोदी, ये इनसे मिलाना चाहूँगी, ये डॉक्टर जैस्मिन मोदी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, जो कई बार किसी से शेयर नहीं कर पाते, शायद प्रत्युषा भी शेयर नहीं कर पाई थी, अपने करीबी दोस्तों से भी नहीं कर पाई थी। आज मैं यहाँ आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि
अपनी जिंदगी से हाथ धोने से अच्छा है आप अपनी तकलीफों को सामने लाके बात करें. इट इज ओके टू टॉक रादर देन गिविंग अप ऑन लाइफ. मैंने और जो आज जैसा आपने कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड में ज्यादा होता है, हाँ होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपने नाम, इन सब चीज़ों में इतने कहीं खो जाते हैं कि हम इतने अकेले हो जाते हैं. और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को शेयर किया कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड आई नीड हेल्प, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये कहेंगे काम्य पंजाबी तो पागल हो गई है. तुम्हें पता है काम्य पंजाबी पागल हो गई है क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ, वो तो बड़ी कमज़ोर निकली. ओ शी इज़ गॉन टू अ डॉक्टर. वो तो अपने दोस्तों के पास रो रही थी. इट इज़ ओके. जो लोग बातें करते हैं वो आपको जानते ही कितना है. इट इज़ ओके. मैं इतने पेज डिप्रेशन से गुजरी हूँ कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. ये जो स्ट्रॉन्ग औरत आपके सामने बैठी है, आप सोच भी नहीं सकते किस डिप्रेशन से गुजरी है. ये बैठी है यहाँ पे, मेरी बहन बैठी है वहाँ पे. मैं एक जिंदा लाश थी. ना मैं खाना खाती थी, ना मैं पानी पीती थी, ना मैं सोती थी. जब तक बेहोश ना हो जाऊं मैं सोती नहीं थी. मैं बेहोश हो जाती थी और होश होता था मैं फिर रोती थी. मुझे बहुत वक्त लगा है उस चीज में से निकलने में, बहुत वक्त लगा है, लेकिन वो एफर्ट मैंने लिया. मैंने मदद मांगी. बहुत सारे लोग अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. क्यों? अपने आप को प्यार करो. और अगर अपने आप से नहीं करते तो उन लोगों से प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए जियो. डिप्रेशन आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है बड़ा. मेरी दोस्त प्रत्युषा नहीं बात कर पाई. मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बात करिए और इस चीज से बाहर निकलिए. डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा कीड़ा है जो हम सबको काटता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और बार बार काटते रहता है. इसका सामना करिए, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि फिर कोई इंसान या कोई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति आपको इतना कमजोर ना बनाए कि आप अपनी जान दे दो. और अब मैं चाहूंगी कि